पाली रोड स्थित सरिया सीमेंट की दुकान पर मुनीम से 2,50,000 रुपए चोरी करने वाला शातिर चोर गिरफ्तार। चोरी किए गए नकदी 2,50,000 रुपए बरामद। घटना में प्रयुक्त हीरो एक्सट्रीम मोटरसाइकिल कीमत 1,20,000 रुपए बरामद। हम आपको बता दें कि 21 फरवरी 2023 को फरियादी नकुल सोनी पुत्र रामबाबू सोनी उम्र 29 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 4 नया बांस मोहल्ला श्योपुर ने थाने में उपस्थित होकर सूचना दी थी कि 21 फरवरी 2023 की दोपहर 3 बजे के लगभग पाली रोड गौशाला पर मेरी सरिया सीमेंट की दुकान है। दुकान पर मुनीम बंटी सुमन बैठा था। मैं अपने काम से कलेक्ट्रेट कार्यालय श्योपुर चला गया था, तभी एक अज्ञात व्यक्ति बंटी के पास आया और 500 रुपये छुट्टे पैसे मांगने लगा, जहाँ मुनीम बंटी को बातों में लगाकर अज्ञात व्यक्ति दुकान के गले में रखे 2.5 लाख रुपये चुरा कर ले गया। ये बात मुझे फोन पर मुनीम बंटी ने बताई, जहां मैंने तत्काल दुकान पर पहुंचकर अज्ञात व्यक्ति के आसपास तलाश की, मगर कोई पता नहीं चलने पर थाना कोतवाली आकर निरी सतीश दुबे को घटना की सूचना दी। उक्त घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी कोतवाली सतीश दुबे माय स्टाफ के तत्काल पाली रोड स्थित फरियादी की दुकान पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। घटना स्थल का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया गया एवं फरियादी नकुल सोनी पुत्र रामबाबू सोनी उम्र 29 साल निवासी वार्ड क्रमांक 4 नया आवास मोहल्ला श्योपुर की रिपोर्ट पर से थाना कोतवाली पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 80-23 धारा 379 भादवी का कायम पर विवेचना में लिया गया। इक्कीस फरवरी को वार्ड नंबर 4 में नकुल सोनी पिता राजू सोनी के दुकान है, वहाँ पर एक व्यक्ति आया और उनके दुकान में खुले पैसे मांगने के ऊपर से नौकर को बातों में उठा करके और 2.5 लाख रुपये चोरी करके ले गया था, जिस पर से तत्काल पुलिस ने कार्रवाई की और कार्रवाई करने के बाद अकबर अली पुत्र लाल खान निवासी दशहरा मैदान कोटा राजस्थान को गिरफ्तार करके और जो चोरी गए जो पूरे मसला था 2.5 लाख रुपये पूरे के पूरे 100% बरामदगी की है और पूरी कोतवाली पुलिस और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता है। क्या सीसीटीवी के इसमें पूरी टीम को 10,000 रुपये का नगद इनाम मैं अपने तरफ से घोषणा किया है और इनको पुरस्कृत किया है। ये जो आरोपी पकड़ा गया है ईरानी गैंग का सदस्य बताया जा रहा है, किस तरह से मतलब उसकी पहचान की गई? और ये मूलतः ये तरीका वारदात मोडस ऑपरेंडी जो है ईरानी गैंग की थी और इसको सीसीटीवी कैमरे से और लोकल इनपुट से मुखबिर की सूचना पर से इसकी गिरफ्तारी संभव हो सकी है और ये रिकवरी हुई है। सर अभी तक कितने और केसेस इस आरोपी पर? पहले 4 गंभीर मामले दर्ज हैं जिसका रिकॉर्ड हम लोगों के पास मिल गया है और हम लोग उसको रिकॉर्ड को अपने रिकॉर्ड में भी शामिल करेंगे। सर आज 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया है विजयपुर के मामले में, सर किस तरीके अलग ही है?